अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्यूटर। और आज की इस क्लास में हम ये जो हमारे साथ ड्रा पैनल है इसमें एक स्प्लाइन फिट है और एक है स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस, तो ये सीखेंगे। ये हमारे साथ बेसिकली पुली लाइन होता है, लेकिन ये जो पुली लाइन है इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये राउंडेड नहीं होते, ये कॉर्नर्स होते हैं। और जो स्प्लाइन ये आप ये देख रहे, ये भी कॉर्नर है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये जो स्प्लाइन होता है इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। अब आप देख ले, अब मैं इसको ड्रा करता हूँ तो आप नोट कर दे कि अब जो लाइन है मैंने इंटर किया तो ये राउंडेड आ रहे हैं। इस तरह जो दूसरा ऑप्शन है हमारे साथ स्प्लाइन पिट कंट्रोल वर्टिसेस, आप देख रहे हैं कि ये स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस है CV, इस पर क्लिक करेंगे। इस ये भी सेम स्प्लाइन ही की तरह है, मैं ड्रा कर लूँ, आप नोट कर ले, आपके पर दिखाता हूँ। और मैंने इंटर किया, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके बाद एक वर्टिसेस आ रहा है, इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह ये इस तरह है, तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं और ये यहाँ से, तो ये दोनों बहुत सेम इसके सेम हो सकते हो। इस तरह की ये जो ग्रिप है यहाँ, आप इस पर क्लिक करके इसको पिट इन इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम स्प्लाइन फिट को स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस को स्प्लाइन फिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस ग्रिप की मदद से। इस ग्रिप पर क्लिक करके हमारे साथ स्प्लाइन फिट है, इस पर हम कंट्रोल वर्टिसेस चेक करेंगे तो ये उस टाइप में होंगे। अब आप वो कंट्रोल वर्टिसेस को चेंज कर सकते हैं शेप। इस तरह ये हमारे साथ फिट है, इस पर हम कंट्रोल वर्टिसेस एक्टिवेट करेंगे तो ये अब ये जो लाइन है यहाँ से चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। अगर हम इसको ग्रिप को दोबारा फिट करेंगे तो फिर ये जो पॉइंट है हम इसे यहाँ चेंज करेंगे, पॉइंट से इजीली चेंज होता है। अब आप आपकी मर्जी कि आप कौन जिस तरह जिसको यूज़ करना चाहे तो उसको यूज़ करें, तो दोनों सेम है। एक है हमारे साथ स्प्लाइन फिट और एक है स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस। सो उम्मीद है आपको ये दोनों जो टूल है, कमांड है, ये समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।